प्रजाननम् भूतगणाधिसेवितम् कपित्रजम्बूफलचारुभक्षितम् उमासुतम् शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्याद् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ मेधां इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना भूभावा दत्तां पुष्करश्च ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणीं हंसवाहन समायुक्ता विद्यादानं करिमः ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो भगवती जगज्जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी हिरण्यकुटिनायिके माँ मातेश्वरी भुवनेश्वरी जगदीश्वरी श्री शिवानंदमयी माँ आपके श्री चरणों में इस दास के पुनः पुनः प्रणाम दंडवत नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण पूज्य स्वामी जी महाराज और आप सबके चरणों में पुनश्च प्रणाम। हम मदर रिवीज हरसेल्फ पुस्तक के गुजराती अनुवाद का हिंदी भावानुपात पढ़ रहे हैं। दूसरे प्रकरण में प्रारंभ में कहा कि शरीर का जब वय बढ़ता चला गया उम्र बढ़ गई तो भी इसके लोगों के साथ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह अपनी ही सादगी में अपने ढंग से आनंदित रूप से जीवन यापन करता रहा। केवरा में तो बड़ी उम्र के बहुत लोग थे, सबके साथ में ये शरीर बिल्कुल बच्ची के जैसे ही जीवन यापन करती थी। एक दिन इस शरीर की माता ने कहा, अरे अब तो छोटी छोकरी नहीं है, हाँ ऐसे सब लोगों के साथ में घूमती मटकती रहती है, बड़ी हो गई है। लड़कियां जब बड़ी होती है तो पुरुषों का स्पर्श नहीं करना चाहिए और उनसे बात करने के समय उनके चेहरे को नहीं देखना चाहिए, पुरुषों के साथ में हंसी मजाक ठट्टा नहीं करना चाहिए। उस दिन से इस शरीर का लोक संपर्क और व्यवहार के संबंध में एकदम परिवर्तन हो गया। एक और प्रसंग में शिशि माँ के साथ में जब वार्तालाप हो रहा था तो उन्होंने कहा कि जब ये शरीर की आयु 12 वर्ष की हुई तो उनके पिताजी ने इनके लिए कोई एक लड़का ढूंढने के लिए कोशिश की। उन समय में कन्या जब ऋतुकाल में आती थी तो उसकी शादी कर दी जाती थी, किंतु अभी तो
बाल लग्न है, निषेध है। कहते हैं कि इस शरीर के मामा थे, वो जन्मपत्री देखने में बड़े ही कुशल थे। वो जन्मपत्री ले गए और अनेक बार कहने पर भी जन्मपत्री का वापस नहीं देते थे। तब इस शरीर के माता पिता को शंका हुई, क्या कुछ अशुभ तो नहीं है ना? तो विद्याकूट के कश्यप गोत्र के भट्टाचार्य परिवार बहुत सम्माननीय था, सुप्रसिद्ध भी था। विक्रमपुर उन दिनों में शिक्षा और संस्कृति का केंद्र माना जाता था। साधारण रूप से विक्रमपुर के लोग अपनी कन्या विक्रमपुर के बाहर नहीं देते थे। अभी देखो, सब ओर से बात हो रही थी कि आपकी बेटी है वो हमें दे दें, किंतु सबको ही ना ही कह रहा है। इस शरीर के पिताश्री खुद दूल्हे की खोज में ढाका के निकट विक्रमपुर चले गए। जब पिताजी घर वापस आए तो उन्होंने अपने साथ में दोमाछी के श्री सीताराम कुशरी को भी लेके आए। अब जो तय हो रहा था दूल्हा, उनके ये बड़े बहनों ही थे। देखिए यहाँ पर अनुसंधान नहीं है, फिर भी ये सीताराम कुशरी जी जो हैं महाशय, वो श्री श्री माँ के पिताजी से भी उम्र में बड़े थे। एक बार वो बहुत बीमार हो गए थे तो उनकी इच्छा थी कि भोलानाथ जी जाए और उनको मिले। तो उन दोनों की माँ थी, साधना तो बहुत उच्च कक्षा की हो गई थी। भोलानाथ जी है वो ऐसे रहते थे, कुछ तकलीफ में है तो माँ को पूछ लेंगे और माँ कुछ कह देगी, भरोसा नहीं, इरिटेट भी हो जाएंगे, गुस्से में भी आ जाएंगे। क्योंकि एक दिन ये पिताजी के, भोलानाथ जी के जो छोटे भाई थे, उनके यहाँ से कोई पत्र आ गया, ये थोड़ा तकलीफ में है, पुलिस केस हो रहा है और डर भी है कि जेल भी जाना पड़ेगा। तो एकदम से हटा भोलानाथ जी आकर के बोल गए, हे बताओ क्या होने वाला है। तो माँ ने बोल दिया वो जेल में है, बहुत गुस्सा किए थे वो, इतना इरिटेट हो गए। किंतु थोड़े दिन के बाद में चिट्ठी आ गई कि वो फ्रेंडली टर्म में मामला सुलझ गया है और अब सब ठीक है। तो हमारे भोलानाथ जी आकर बोले, हाँ आप क्या कह रहे थे वो जेल में है? ये शरीर कुछ भी नहीं बोला, चुप रहा। प्रणाम तो जानकी। और जब आए आए तो उन्होंने ही बताया, हाँ जिस दिन ये माँ ने बात कही थी उस दिन ये मैं पुलिस कस्टडी में था, तो बाद में मेरे को छोड़ दिया गया था। तो माँ ऐसे ही देखती थी सब कुछ बातें। तो ये जो जिसके साथ शादी होने वाली है उसके बड़े जीजा, बड़े बहनों ही, बड़े कुशारी जी महाराज, वो एक बार बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, जिएंगे मरेंगे पता नहीं, ऐसी अवस्था में थे, बहुत बुखार तेज। उनकी इच्छा थी कि मैं मरने के पहले भोलानाथ को देखना चाहता हूँ। ये समाचार मिलने से एकदम भोलानाथ जी माँ के पास में, क्या करना चाहिए? माँ तो ऐसे पूछने के साथ में जवाब देती थी। मैंने कहा कंडीशन तो बहुत क्रिटिकल है, किंतु आप जाइए, आपके जाने के बाद में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और चिंता नहीं करना, सब ठीक होगा। वस्तुतः भोलानाथ जी वहाँ गए, कुछ दिन रुके, धीरे 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 वो जो सीताराम कुशरी जी हैं उनका स्वास्थ्य ठीक होता गया। और फिर कुछ दिनों के बाद में जब बिल्कुल स्वस्थ हो गए, वो आकर के माँ को चरण स्पर्श करके दंडवत प्रणाम किया। माँ ने कहा है इस पुस्तक में कि वो मेरे पिताजी से भी कुछ बड़ी उम्र के थे, किंतु उनके मन में एक भाव था, एक प्रेम था, एक सम्मान की भावना थी, विशेष रूप से
वो समझते थे कि इनकी वजह से, माँ की कृपा से ही मुझे नव जीवन मिला है। तो एक दिन वो अपने घर में भी ले गए और माँ को ऐसा बैठा करके, उनके सामने बैठ करके वो कुशारी जी ने पूरा चंडी पाठ पारायण भी किया था। तो वो कुशारी जी हमेशा खुशी होते थे कि इन दोनों का शादी मैंने कराया, ऐसा खुशी होते थे। तो अपना साला लगता था ना उनका, तो इसलिए तो वो जो दूल्हा तय किया जा रहा था उनके ये जीजा लगते हैं। तो उन्होंने इस शरीर के साथ कुछ बातचीत की, फिर अपने साला साहब हैं भोलानाथ जी से सगाई पक्की कर ली और एक अच्छे मुहूर्त में आशीर्वाद दिए और विदाई भी की। इस समय दौरान इस शरीर के दादी माँ बहुत ही बीमार थे और उनका देहावसान भी हो गया। उनकी अंतिम क्रिया श्राद्ध करने के बाद में इस शरीर की विवाह की तारीख तय की गई और बंगाली पंचांग वर्ष 1315 25 माघ के ईस्वी सन 1909 फरवरी 7 इतवार के दिन जब लग्न का दिन तय हुआ, इस गांव के सब बड़े बुजुर्ग हैं, शरीर के साथ के समान लोग हैं, वो तमाम लोग हैं, वो ठट्ठा करने लगे, मस्करी करने लगे, टिप्पणी करने लगे, किंतु ये शरीर को कोई असर नहीं थी। अब 12 वर्ष और 10 महीना की उम्र में इस शरीर का, जो आप कहते हो दुनियावी भाषा में, वो शादी हुई। लग्न के प्रसंग में सब लोगों ने आनंद किया और पारिवारिक खुशी, और बहुत लोगों ने इस शरीर को बहुत सारी सूचनाएं दी थी जिसका ये अक्षरशः पालन कर रही थी। दूसरे दिन भोलानाथ जी के बड़े भाई आए और हम दोनों को श्रीपुर के रेलवे स्टेशन ले गए। वो रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर थे। जब इस शरीर की खेवड़ा से विदा हो रही थी, सब लोग रो रहे थे। ये शरीर भी उनको देख के देख करके रोने लग गया था और इतना जोर जोर से रोने लगा, लोग बाग कहने लगे, अरे कैसी है, इसको शर्म नहीं है इतना जोर से रो रही। वो पूछ, क्यों जोर से, चुप कर, बोले आप लोग रो रहे इसलिए मैं रो रही हूँ। शिशि माँ का शरीर तो अवतरण अलौकिक था, माँ का तो आध्यात्मिक उत्तेजना, दिव्य भाव, आंतरिक अवस्था में कोई सुख दुख कुछ नहीं थे, किंतु समाज के बीच में रह करके लोगों के साथ में जो व्यवहार लोग करते हैं, माँ भी वैसा ही व्यवहार करती थी, किंतु वस्तु तो इस जगत की गतिविधि से पूरा ही निष्प्रह थी। खेवरा से विदा लेने के बाद इस शरीर की माता ने उनको शिक्षा देते हुए कहा था कि देख बेटा, याद रखना, अपने पति की पूरे हृदय से भक्ति भाव से सेवा करना, उसको पूरा वफादारी निभाना। देखो तुम ऐसा करोगी तो देवता लोग भी तुझसे भय प्राप्त करेंगे। तुम्हारे जीवन के मूल्य हैं, तुम्हारे सद्गुण हैं, उसको संभाल के रखना। मेरे पति, तुम्हारे पति और उसके घर के जो पूजनीय लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, को आज्ञा करेंगे तो उनका प्रेम से पालन करना। शादी के कुछ दिन के बाद में ही सत्वर भोलानाथ को अपने काम की नौकरी के लिए कहीं जाना हुआ। जाने के से उन्होंने कहा कि मेरे जो भाई हैं, भाभी हैं, वो जो कुछ भी कहने के लिए करें तो ठीक से करना। ऐसे श्रीपुर में यह शरीर घर काम में लग गया। अब बताओ क्या है, हाँ, 12 साल और 10 महीने की उम्र की है लड़की है, शादी करके ससुराल भेज दिया, पति चला गया, अभी बोलो क्या कर रही है माँ। देखो ये शरीर रसोई करती थे, कपड़ा धोती थी, बर्तन साफ करती थी, और जेठ हैं मैंने पति के बड़े भाई के बच्चे, उनको भी संभालने का काम करती थी। उस समय शिशी माँ के शरीर की आयु केवल 13 वर्ष की थी। परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर के एक कर्मयोगी के समान माँ काम करती थी। आंतरिक प्रेरणा से
वह अपनी तमाम फर्ज को पूरा निभा रही थी और काम काज को सतत ये झमेला है उसके बीच में उनका भोजन अपना सिर के बाल बनाना स्नान कराना अधिकांश भूल ही जाती थी। मैंने अपने बाल ठीक करना है कि खुद स्नान करना है कि खुद भोजन करना है कोई परवाह नहीं, लोगों का हुआ कि नहीं। ओ पानी भरने के लिए भी तालाब जाना पड़ता था, घर का तमाम अच्छा अधिकांश जो दिन का पूरा भाग है वो पानी में ही रहते रहते उसमें स्कार हो गया था। पानी में रहता है तो फिर वो गुगू हो जाता है, ऐसा वाढ़िया पड़ी गया था। आंसू के जो पिता थे, आंसू के पिता भोलानाथ के बड़े भाई होते हैं, उनका नाम रेवती मोहन चक्रवर्ती था। इन दिनों में वो बच्चों के लिए उनके नाम से ही बुलाते थे, वो गंभीर बीमारी में गिरे हुए थे, अतः पूरा दिन उनकी शुश्रूषा में भी रहना पड़ता था। अब ढाका जाने का हुआ, ढाका से परिवार के लोग उनको आटपाड़ा लेके गए। यहाँ हाथ पांव में जो दिन रात पानी में रहते रहते कपड़ा धोना बर्तन सफा करना है करते करते जो छाले पड़ गए थे वो देख करके अड़ोस पड़ोस की महिलाएं कहती थी, राम राम राम, तो कैसी लड़की है रे, तेरे शरीर में इतने छाले पड़ गए, तू इंसान है कौन है, हाँ तेरे घर के लोग भी जानते नहीं देखते नहीं, किंतु ये शरीर तो सबकी आज्ञा का पालन करने के लिए ही सेवानियुक्त था। जब आशु के पिताश्री का स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो ये परिवार वापस शिवपुरा, देखिए माँ के जीवन को हम देखेंगे टटोलेंगे, एक बात स्पष्ट है कि माँ है वो पूर्ण ब्रह्म नारायणी है, सब बात मान लेने के बाद, किंतु जब दैहिक भाव में देखते हैं तो माँ ने जितना दुख भोगा है हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, कभी नहीं सोच सकते। माँ की साधना इतनी ऊंची हो गई थी तब भी भोलानाथ जी हैं, उनका जो व्यवहार था वो एक साधारण से साधारण व्यक्ति के माफिक था। ओ कभी भी माँ के जीवन में तिरकड़धार नहीं हुआ ना, इतनी ऊंची अवस्था माँ की होने पर भी जब माँ को अपनी क्रियाओं में साधनाओं में मंत्र में बीज मंत्र आ गया, अपने आप बिना हाथ लगाए पद्मासन हो रहा है, बिना हाथ लगाए मत्स्यासन हो रहा है, बिना हाथ लगाए प्राण अपान उदान व्यान समान है, और बिना कुछ भी किए हुए बैठे हुए भी इड़ा पिंगला सुसुमना चल रही है, देव देवियों के दर्शन हो रहे हैं, देवियां अंदर से प्रकट हो रही हैं, देव अंदर से प्रकट हो रहे हैं, फिर अंदर वापस जा रहे हैं, तमाम कुछ होता रहा हो, जो कुछ होता है माँ हमेशा भोलानाथ जी को कहती, सब बात माँ भोलानाथ जी को कहती है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा। मंत्र बीज अपने आप आते हैं, मंत्र अपने आप आते हैं, स्तोत्र अपने आप आते हैं, जिसको मैंने कभी पढ़ा नहीं कभी सुना नहीं तब भी हो रहा है, फिर भी भोलानाथ जी के दिमाग की स्थिति क्या है विचित्र। एक दिन वो भूत झाड़ करने वाले को ले आए, प्रेत उतारने वाले को ले आए, हाँ वो आया, बड़ा सुप्रसिद्ध था आदमी आया, आकर के बैठो, माँ कहती है जिस कमरे में मैं और भोलानाथ रहते थे मैं उस कमरे में उस कोने में जहाँ बैठती थी बैठ गई। एब्सर्ड, अपने भाव के अंदर में डूबी हुई, बाहर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, भोलानाथ दूसरे कमरे में बैठे, नहीं उसी कमरे में दूसरे कोने में बैठे, वो भूत प्रेत उतारने वाला है, उसने अगरबत्ती किया धूप किया मंत्र रात डूम झूम कुछ क्या बोलता है सब कर लिया, करने के बाद में एक घंटे के बाद में उठा पैसा पसीना करके करके भोलानाथ से बोला, मुझे माफ करो मुझे कोई भूत प्रेत नहीं नहीं दिखता नहीं, मुझे हुक्का दियो मैं पीना चाहता हूँ, तो तम्बाकू डाल करके हुक्का लेके बाहर गए। माँ तो वैसे बैठी है अपने भाव में, हाँ तादात्म्य विषयम तयो तद्रूप तदाकार तन्मय परम तत्व के साथ मिलकर उसको जगत का कोई परवाह नहीं। वो बाहर से हुक्का पी करके जब आया वो हुक्का उन्होंने भोलानाथ के हाथ में दिया, वो कांपने लगा इतना जोर से कांप रहा था,
वो इतना जोर से कांप रहा था कि कांपते कांपते जोर से गिर पड़ा, माँ के श्री चरणों में गिर पड़ा, कर करके बेहोश हो गया। अब जब बेहोश हो गया तो भोलानाथ जी ओ माँ से बोले, क्या हो गया इसको, ठीक करो। माँ बोले, मुझे पता ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ है, उसने क्या किया ये शरीर को पता नहीं है। बोला ना, ये तो पूरा अपने भाव में डूबा हुआ है। तो बोला नाथ ने चीख करके कहा, सुनते नहीं हो, इसकी हालत क्या होगी, देखो ठीक करो। माँ कहती है, इस शरीर ने उसके शरीर को देखा और इस शरीर के ओठ से कुछ शब्द बाहर आ गए, बस उतना होने से वो धीरे से उठ गया। उठ के खड़ा तो हो गया, फिर भी कांप रहा था। कांपते कांपते बोला, मुझे माफ करना, मेरी कोई तंत्र विद्या यहाँ नहीं चलेगी, मैं जा रहा हूँ। ये देखिए, मैं क्यों ये कह रहा हूँ, वो भूत प्रेत की तंत्र विद्या चली कि नहीं चली, किंतु इतने साल साथ में रहते हुए वो जो शिशी माँ अपनी साधना की हर बात भोलानाथ जी को बताती है, फिर भी बताओ क्या करेंगे। भोलानाथ जी कह, माँ के बिल्कुल पड़ोस में ही जानकी बाबू रहते हैं, उनकी पत्नी का नाम तो उषा दीदी है, वो इतने साल से माँ को देख रहे हैं। हाँ, जब माँ ने कह दिया ये पूर्ण ब्रह्म नारायण ये सब कुछ कह दिया, तब फिर भी जानकी बाबू की जो पत्नी है उषा दीदी, तो उषा दीदी की बेटी को बहुत बुखार हो गया था, इतना बुखार हो गया कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो वो एक दिन माँ कहती हैं, मध्यान्ह के समय ये शरीर जब अपनी क्रियाओं को करके सर्वसाधारण रूप में बैठा था, तो उस समय ये उषा दीदी अपनी बेटी को लेके आई और मेरी दोनों बाहों में रख दिए, दीदी मेरी बच्ची को बचाओ, दीदी मेरी बच्ची को बचा दो। माँ कहती है, ये शरीर की आंखें धीरे से खुली, बड़े प्यार से उसके पूरे शरीर में हाथ फिराया और फिर एकदम वात्सल्य से उषा दीदी से कहा, अगर तुम चाहो तो और 3 दिन इसी समय इसको लेके आना, चिंता नहीं करो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कह दिया। अब दूसरे दिन जब उषा दीदी आने लगी, उनके पति ने कहा, खबरदार तू वहां गई है तो समझती क्या है, उस औरत की नजर भी मैं अपनी बच्ची के ऊपर डालना पसंद नहीं करता हूं, औरत क्या है तुम समझती है, बकवास है, ऐसा बोल दिया इतना जोर से। उषा दीदी इतनी दुखी थी, चुप से उन्होंने समाचार भेजा, माँ मैं आना चाहती हूँ किंतु ये मना कर रहे, मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। माँ ने कहा कि इस शरीर ने केवल मौन ही धारण किया, उसके बाद में उस लड़की का बुखार बढ़ता गया, 3 दिन में तो ऐसी हालत हो जाएगी होगी कि वो बचेगी कि नहीं पता नहीं। तब फिर उषा दीदी है, उन्होंने आकर के माँ के चरणों में गिड़गिड़ा करके रोई, माँ आपने बचाया, मैं मेरे पति के ना होने से बिटिया को यहां नहीं ला सकती हूं, तुम कृपा करो माँ, दृष्टि करो माँ। माँ ने कहा, फिर भी कुछ नहीं, माँ बोली, केवल करुणा से उषा दीदी को देखा और बाद में 2-3-4 दिन के बाद में वो लड़की ठीक हो गई है। ये सब बात भोलानाथ जी जानते हैं, नहीं जानते ऐसा नहीं है। वो वहां के जो नवाब थे उनके बाजीतपुर के, तो नवाब का एक नौकर था, वो जो नौकर है उसको माँ के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, वो माँ को माँ बोलने वाला पहले वही था, पहले वही माँ बोलता था, पहले माँ बोलना, वो नौकर जो है वही पहले माँ बोलना चालू किया था। अब उसकी शादी तो हो गई थी, बच्चा नहीं था, तो उसके पिताजी बोलते थे इसको छोड़ दूसरी ला, बार बार बोलते थे कि तुम दूसरी शादी करो। वो जो नौकर है, इनकी भोलानाथ जी की दोस्ती अच्छी थी, गुड फ्रेंड्स, अच्छी दोस्ती थी, तो नौकर ने भोलानाथ जी से कहा, देखिए मेरे मन में एक इच्छा है, माँ जो पूजा पाठ कर लेती है ना, उस समय मैं माँ को दंडवत प्रणाम करूँ, चरण स्पर्श करूँ, तो मेरे को अनुमति दिलाओ ना, परमिशन दिलाओ ना।
तो माँ के पास में बुलाना, जी ने बोल दिया जब इतना गिड़गिड़ा रहा है, जब इतना पूछ रहा है, तो तुम क्यों ना करती हो, छोड़ दो उसको पाओ। तो माँ ने कहा जब आप दोनों की इच्छा है तो कर। जब माँ कहती है कि हमारी जब ये पूजा पाठ पूरी हुई तो वो आया, आकर के दौड़ के धड़ाम से ये शरीर के पांव के ऊपर गिर गया। वो इतना जोर से गिरा बेहोश हो गया, बेहोश तो नहीं हो गया फिर कांप रहा है और वायलेंटली बोले, वायलेंटली कांप रहा है, घबराया हुआ कांप रहा है, कांप रहा है। फिर बोला नाथ जी बोले तुमने क्या कर दिया इसको भाई, तुमने पांव छूने के लिए तो पहले हां बोला था, अब इसको ठीक कर। वो मां कहते ये शरीर कुछ भी नहीं बोला। फिर बोला ना जी चे क्यों दोस्त है ना उनका, अरे मैं बोलता हूं आप सुनते नहीं हो, ठीक करो इसको। मां कहती है ये शरीर कुछ भी नहीं बोला, चुप रहा। धीरे धीरे वो ठीक करके बैठा, बैठ करके बहुत आनंद में था, रो भी रहा है, हाथ जोड़ के बोल रहा है मैं क्या करूं, मैं आया था कुछ प्रार्थना करने के लिए, कुछ मांगने के लिए। हाँ तू तो पांव छूना चाहता था, प्रार्थना तो पहले बोला नहीं था, बोला ना जी। माँ कुछ नहीं बोल रही, माँ शांत है बिल्कुल, अनिर्वचनीय अवस्था में, साक्षी चेता ऐसी अवस्था में परे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ड्रामा सब लीला है, माँ की कुछ पता नहीं है। बोले मैं तो प्रार्थना करने आया था, एक इच्छा लेके आया था, मेरे पिताजी बोल रहे बार बार दूसरा शादी करो दूसरा शादी करो, मैं दूसरा शादी चाहता नहीं, इस पत्नी को छोड़ना चाहता नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे को इसी पत्नी से एक संतान हो जाए। माँ के पास में फिर बोला नाथ जी ने कहा सुनते हो ये क्या बोल रहा है। माँ कहते हैं इस शरीर से कुछ भी आवाज नहीं निकला, चुप रहे। बाद में माँ ने कहा कि सुना ऐसे, कुछ दिन के बाद में वो दोनों पति पत्नी के अच्छा पुत्र रत्न हो गया था। तो देखिए तमाम बातों से बोला नाथ जी अनभिज्ञ नहीं है, इज वेरी मच अवेयर ऑफ इट, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर क्यों ये ऐसे होता है, क्योंकि ये कर्मण गहन गति ही कवयोपि तत्र मोहिता, संतो कर्मण की गति न्यारी, मूर्ख को तुम राज दियत हो, पंडित फिरे भिखारे। बहुत मुश्किल बात है। कहते हैं कि ये आंसू के जो पिताजी थे वो भोलानाथ जी के बड़े भाई थे, उनका नाम रेवती मोहन चक्रवर्ती था। वो बड़े गंभीर अवस्था में थे, उसे बात आई। अब आशु के पिताजी का जब स्वास्थ्य ठीक हुआ कि परिवार श्रीपुर में आ गया, वो आशु के पिताजी इस शरीर के प्रति बहुत ही सम्मान सद्भाव से देखते थे। समाज की रीति रिवाज कड़क मर्यादाएं परंपराएं थी, जिसमें जेठ अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ में आमने सामने बैठने की परंपरा नहीं थी। जेठ के सामने छोटे भाई की पत्नी घूंघट में ही जाना चाहिए, उनसे बात नहीं करना चाहिए। किंतु जब उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ था और आठ परा उनको ले जाया गया, उस समय इस शरीर के पिता भी वहां आए थे और इसको इस शरीर को खेवरा ले गए थे। वहाँ माता पिता के साथ कुछ महीना बिताने के बाद समाचार प्राप्त हुआ कि आंसू के पिताजी का स्वास्थ्य अभी अच्छा हो गया है और वह उनको नारोदी स्टेशन में फिर से काम पर लगा दिया गया है। तब आंसू की माता के साथ इस शरीर ने भी नारुंदी की यात्रा की। एक दिन नारुंदी के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की पत्नी पहली बार आई, तब इस शरीर को रसोई में काम करते हुए देखा, कहने लगी अरे मैंने तुझे जब तू शादी करके आई थी उस समय देखा था, अरे ये लड़की कौन है, क्योंकि इतने दिन तक घर का काम करते 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 मेरी छोटी उम्र होने पर भी मैं वृद्ध के जैसे हो गई थी। देख लीजिए आप मां के जीवन की बात देख लीजिए,
हम माँ को इतना कुछ कहते हैं करते हैं, हम लोग अपने आप को क्या सोचते हैं, मुझे माफ़ करना ही मेरा विषय नहीं है। किंतु माँ है वो अपनी गृहस्थी जीवन में हर चीज को इतना साफ सुथरा रखती थी। माँ को हम पूर्ण ब्रह्म नारायण कहते हैं, माँ को हम आना जाना नहीं कहते। तो मुझे माफ करना, किंतु मैं बड़ी स्पष्टता से हृदय की बड़ी वेदना से पूछना चाहता हूं, आप लोग क्यों महसूस नहीं करते हैं कि माँ यहां अभी नहीं है? माँ है, वही बोल रही, वही सुन रही, वही कुछ कर रही है। और ये भावना जब रहेंगी तो पूरा अनुशासन रहेगा। अनुशासन क्यों नहीं है? वो हर कमरे में लिखा हुआ है कि खाना खाने के बाद में, उपयोग करने के बाद में चीजों को खिड़कियों से ना डाला जाए। किंतु जहां हम लोग रहते हैं उसी कोने में कितना कूड़ा जमा पड़ा हुआ है। हम लोग जिम्मेवार है, हम लोग ही यार। ये महसूस नहीं होता है कि जब हम यहां से उठ करके जाएं माँ ऊपर है, ऐसा सोच करके चुप चुप से जाना। माँ के भौतिक शरीर की उपस्थिति में भी यहां पर सैकड़ों लोग आए हैं जिनमें यह शरीर भी एक था। हमने कभी भी आवाज नहीं सुनी, कभी भी नहीं। लोग रहते थे शांत। अभी हम सब मिलाकर के 100 लोग भी नहीं है। उठने के साथ में ट्राम 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 कितना बोलते हैं। मेरी मुझको क्षमा करे, मैं आपका बालक हूं। वो माँ के पास में, माँ की गोद में, माँ के चरण में बैठ के शायद माँ के ख्याल से बोल रहा हूं। रसोई में जाओ तो चुप से मौन से जाओ, भोजन मौन से करो। इतना हल्ला, और दुनिया भर का तमाम कवाड़ बोलते हैं। तो किसके भांजे के, भतीजे की शादी के बैराग्य में कौन भाग गया, कौन भगा गया, इतना कूड़ा करकट बोलते रहते हो। हमने संयम में आए हैं? कोई संयम नहीं। गंभीर हो जाओ। आज 5 दिन हो गया, 2 दिन और है। ये तो मेरा बोलने का धर्म नहीं है, किंतु इसमें सब लिखा हुआ है। मां के जीवन का अनुशासन, इतनी तकलीफ में भी मां प्रसन्न रहती है और हमको कोई तकलीफ नहीं है, और हम कितने शून्य मनस्क विचित्र मन में रहते हुए हैं। बहुत गंभीर बात है, अपने आप को टटोलो। ये इस भूमि के एक एक दीवार की, एक एक ईंट ईंट में, इस तमाम बगीचे के एक एक पात्र पात्र में, एक एक पत्र में, फूल में, हर चीज में माँ जागृत है। उसकी अनुभूति करो। उसकी अनुभूति हो सकती है जब ऐसा भाव हो, प्रत्यक्ष माँ नजर आती। माँ को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता है, वो तो हमेशा कही। माँ तो कितनी बार कही है, जो जिस भाव में जब जैसे याद करेगा उस भाव में ये शरीर वहां उपस्थित है। हम क्यों ये नहीं समझ सकते? क्योंकि ये प्रमाद है। प्रमाद वो नित्य मृत्यु हो भगवान ब्रह्मण सुत सन सुजातीय देखा है। प्रमाद है ना, ये माँ जो है, माँ बोलने से दिव्य आनंद, अंग्रेजी में बोलते हैं विम्स, विगर, विजिलेंस, डिलिजेंस, लाइट, पावर, विजडम, स्ट्रेंथ, करेज, ब्यूटी, आनंद, ज्योति, शक्ति, ज्ञान, परात्परता, दिव्यता, भव्यता, कारुण्य, शांति, ऊर्जा, क्षमा, प्रेम, ये तमाम माँ है। तो उसकी अनुभूति करो। रोम रोम में ये देखो, पर सब बोलते बोलते मेरा रोम रोम उत्पन्न खड़ा होता है। इसलिए कृपा करके इस क्षण में भी जब जाएंगे, चुपचाप चलो, वैखरी वाड़ी में बड़ा 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 बर्बाद ना करो। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के परिवार जब नानुंदी छोड़ा तो उनके मकान में एक मुसलमान सज्जन आए थे। उनकी बहनें उसको इस शरीर के साथ धर्म के संबंध में बहुत बातें करना पसंद था। ये दोनों, हम दोनों घंटों तक बैठ के धर्म की चर्चा करते थे। ऐसी चर्चा में बड़ा आनंद आता था। हम दोनों ने कभी महसूस नहीं किया कि हम दोनों अलग अलग धर्म के हैं। देखो ये यहां एक बात है, अब
आज के जो अनुवाद है उसमें आया कि एक दिन माँ कहती हैं कि जैसे मेरा अभ्यास है मध्यान्ह ध्यान के बाद में ये शरीर है वो जमीन पर लेटा पड़ा हुआ था और नाक से अपने आप ही प्राणायाम चल रहा था, इड़ा पिंगला हठात से आंखें खुली, देखा दरवाजे पर कोई एक फकीर खड़ा है, दरवाजे पर एक फकीर खड़ा है। तो उस फकीर को देख करके इस शरीर के अंदर एक विचार आया कि कौन हो सकता है। शरीर के अंदर विचार आने के साथ में शरीर से जवाब भी आ गया, ये कोई अरेबियन फकीर संत है। हाँ बस, अब जब शाम ढले भोलानाथ जी आए तो भोलानाथ जी को शिशी माँ ने कहा आज हमारे आंगन में एक अरेबियन फकीर संत आए थे, ये शरीर है। उसको देखा तो एकदम अपने कपड़े ठीक करके बैठ गया था। भोलानाथ जी बहुत ही त्रस्त है, अरे वो मुसलमान होता है, हमारे आंगन में खड़ा हो कि नहीं खड़ा हो, तुमको उस मुसलमान को देखने की जरूरत क्या पड़ी। देखो माँ की साधना क्या कर रही है, माँ की साधना ये कहती है अभी यहाँ तो काफी साल के पहले ये अरेबियन संत को देखने के कम से कम 12 साल के पहले माँ कहती है कि मुसलमान जो थी वो महिला उसके साथ घंटों बैठ करके धर्म चर्चा करते थे किंतु कभी महसूस नहीं किया कि हम दोनों परस्पर विधर्मी हैं, एक अवस्था। और इसके बाद में जो ये अरेबियन संत और उसके बीच में जो साधना हुई है, माँ कहती है कि रिवीलिंग इटसेल्फ कि अपने आप को कैसा महसूस किया, ये शरीर स्वतंत्र नहीं है, ये पूरी जो सृष्टि दृश्यमान है, ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्य भू भुव स्व मह जन तप सत्य अतल वितल पाताल तलातल और 14 भुवन और पहाड़, ये नदी, ये सूर्य, ये चंद्र, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये पेड़, ये पौधे, ये पशु, ये पंखी और ये जनगण, ये तमाम इस शरीर के अंदर से प्रकट हो रहा है और तमाम ये शरीर में समाहित हो रहा है। तो ये शरीर है उनसे भिन्न नहीं, वो इस शरीर से भिन्न नहीं, इस शरीर में ही सब कुछ समाहित है, ऐसी एक उच्च अवस्था। फिर माँ कहती है इस शरीर के लिए कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई भेद नहीं रह गया था, वो अभेद अवस्था थी। वो ऐसी अवस्था में राजराजेश्वरी, अखिलांडकोटि नायिके, जगदम्बा, जगत जननी, करुणामयी माता, आनंदमयी है। तो उनको जो उनके प्रारब्ध में जो परमात्मा स्वरूप, जिसको माँ एक दिन भी उनको भोजन नहीं दिया तो खुद भोजन नहीं करती थी, अरे उनको भोजन दे करके, उनके भाई के बच्चों को भोजन दे करके, परिवार को भोजन दे करके, झाड़ू पोछा करके, बर्तन सफा करके, चौकी करके, सब कुछ काम करके खुद खाए बिना ध्यान करने बैठती थी। और जब ध्यान पूरा होता था तब दोपहर को बैठने के बाद में फिर शाम के खाने बनाने का टाइम हो जाता था तो माँ कहती है मैं केवल भोलानाथ के चरणामृत को पी करके दिन काट लेती थी। जो भोलानाथ जी के चरणामृत को पान करती है, जो भोलानाथ जी का रोज आरती करती है, अपनी एक स्त्री धर्म, पत्नी धर्म का अक्षर से पालन करती है, वधु धर्म का, अपने जेठ, अपने जेठानी, अपने देवर, अपने सास, अपने ससुर, अपने पति के जीजा बहनोई, तमाम के प्रति अपना कर्तव्य करने वाली ये माँ आनंदमयी है। उनको जो जीवन साथी है तो उनके साथ में ये कितना तप वो होगा समझो। उतनी बात नहीं है कि एक दिन क्या हो गया कि पूज्य बाबूजी महात्मा गांधी जी ने ये विदेशी कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, देसी कपड़ा पहनो, खुद अंबर चरखा चलाओ और बाकी नहीं तो साधारण चरखा चलाओ, ऐसा प्रचार बहुत किया था। तो माँ के पास में भी ये भोलानाथ जी ने कहा देखो सब लोग एक एक चरखा खरीद रहे हैं, तुमको दिन भर कुछ काम तो है नहीं, खाली बैठती हो, चरखा लेके आओ, कहाँ तो गई। तो उन्होंने कह दिया हाँ आपकी इच्छा है तो ले आओ। तो उन दिनों में गांव में एक आदमी था, वो दिन में 6 आना लेता था, 6 आना लेकर के दिन भर बैठेगा, आपको चरखा चलाना सिखा देगा। तो भोलानाथ जी ने भी कहा वो 6 आना देकर के उस आदमी को बुला के लाओ, तुमको चरखा चलाना सिखा देंगे। माँ ने कहा देखो
ये शरीर को अपने आप प्रयत्न करने दो। अगर ये शरीर अपने आप करने को नहीं सकता तो फिर वो छे आने वाले को बुला देना, ऐसा माँ ने कह दिया। और कहते हैं कि माँ ने स्वयं ही अपने हाथ से सूत काटना काट लिया, इतना सुंदर काट लिया, कांत के कांत के कांत के इतना सुंदर कर दिया। भोलानाथ जी ने अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में जाकर के देखा कि उनका सूत तो फोर्थ क्लास है और माँ का जो सब लिखा है सुपर फाइन, मशीन में बनने वाला कैसा होता है वो अपने आप इतना सुंदर, जिसमें बोले कि बहुत लंबे ऐसे दो कपड़े उसमें से बनाए गए थे। अब उसके बाद में क्या हो गया कि वो जानकी बाबू की बहने वो आई थी, वो आई तो अपने साथ में चरखे का कांता हुआ सूत से एकदम नरम नरम दो रुमाल भी लाई थी। तो माँ ने कहा बड़ा सुंदर है, कैसे बनाया थोड़ा मेरे को बताओ, मैं भी बना लूंगी। अरे क्या बनती है, तू क्या बनाएगी, इसको बनाने के लिए तो बहुत कुछ जाम ताम चाहिए, साधन सरन जाम चाहिए, मैं तो लाई नहीं, मैं तो सिखा नहीं सकती। तो माँ कहती वो सरकास्टिक उसने कहा था, तू क्या करेगी। हाँ तो माँ बोली ठीक है तो तू ना बताए तो ये अंदर से बता देगी। माँ कहते इसने भी जेस्चर बड़ा ड्रामा करके ठीक है तुम ना बताओ तो अंदर से बता देंगे। तो माँ ने कहा इसके लिए क्या क्या चाहिए, उपकरण खुद माँ पैदा कर लिए, करके उसके रहते रहते ही दो सुंदर रुमाल बता दिए। देखिए तेरा तो नहीं है ना, है राम तो कहाँ से लाई, तो मैंने बनाया हूँ, चुप होकर के चली गई। वो माँ को सिलाई कढ़ाई गुजराती बोलते पोलोटा को बावरियो भरत कच्ची भरत सांकड़ीनो भरत ये सब है, तो माँ सब कुछ काम कर लेती है, कुछ नहीं किया ऐसा नहीं। किंतु ऐसी अवस्था में भी जिस परिवार के साथ में रहना है, बड़ा देखो छोटी छोटी बातों में हमारे परिवार में संयम में क्या है। संयम का मतलब ये नहीं कि हम एक दिन पहले दिन पानी ना पिए, आखिर दिन पानी ना पिए, ए क्लास हो जाएं, बी क्लास हो जाएं, दिन में एक बार खाना खाएं और या तो फिर सुबह भोजन करें शाम को दूध जल करें, तो ये इतनी बात ऐसी संयम नहीं है। संयम है अपने अपने दैनिक जीवन में, दैनिक व्यवहार में, अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने गृहस्थ आश्रम में भी बातें छोटी हो कि बड़ी हो हम अपने आप को संयमित रखें, इसके लिए संयम है। शिशि माँ ने बहुत सुंदर कहा था, ये गोंडल में जब संयम सप्ताह हुआ था तो 1974 में, तो मैंने बहुत सुंदर बात कही थी। मैंने कहा बाबा देखो एक सांप होता है एक नेवला होता है, और सांप और नेवले की बहुत ही लड़ाई होती है, तो लड़ाई में बाबा कौन जीतता है, तो नेवला जीतता है, नेवला में तो शक्ति कम है और नेवला में जहर भी कम है, तो क्यों जीतता है। इसलिए जीतता है कि जब लड़ाई होती है तो लड़ाई के समय में जब नेवला घायल होता है और दुखी हो जाता है, शक्ति क्षीण होती है, कुछ वनस्पति रहती है उसको सूंघ लेता है, गुजराती में उसको नोर बेल कहते हैं, तो उसको सूंघ लेता है, सूंघने से फिर नई ताकत आ जाएगी, आकर के फिर लड़ाई करता है, फिर थक गया फिर सूंघ लेता है लड़ाई करता है। सांप के पास तो शक्ति एक ही है, धीरे 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 उसकी शक्ति जहर ताकत कम और नेवला जीत गया। बाबा बाबा ये तो संसार सर्प है, इस संसार सर्प से लड़ाई करते करते आप सब नेवले थक जाओगे, ये तो औषधि है, ये सब औषधि है, इनको थोड़ा सूंघ लो। बाबा क्या बोला, नारायण नारायण बाबा थोड़ा सूंघ लो, बाबा थोड़ा सूंघ लो, क्या ये चरणों के अगर ही मोक्ष को पाना तो संत की शरण में तू जा भाई, एक है यदि है मोक्ष को पाना तो गुरु की जा शरण भाई, हमने गुरु की शरण में आ गए, मोक्ष के लिए आ गए। माँ कहती है कि इस बचपन से ही ये शरीर भाव में गिर जाता था, लोग कहते थे इसके पार्थिव शरीर में रह के भी चौपास के चारों ओर के वातावरण की पृथक से
इसका शरीर दृश्यमान उपस्थिति से उपरांत होता था, कोई सुख नहीं कोई दुख नहीं, किंतु तमाम अवस्था के बीच में भी अपने गृह कार्य को ठीक से शरीर करता था। और लोग बात तो इस दिव्य अवस्था को समझते नहीं थे, अनेक प्रकार की टीका टिप्पण करते थे, जैसे परिवार में होता है, इस शरीर ने कभी भी कोई गलती नहीं की, फिर भी इसको हमेशा फिटकार तो मिलती ही थी। परिस्थिति में सामने कभी एक भी शब्द नहीं बोल करके ये शरीर चुपचाप सहन लेता था, कभी कोई भी ये प्रतिक्रिया नहीं करता था, मानो जीवन एक नाटक के समान है। जय माता।